हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पा रहे हो कि महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी वडोदरा, MS यूनिवर्सिटी वडोदरा में एक नोटिफिकेशन आई हुई है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार उन्होंने अपना रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है फैकल्टीज़ का। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्प्रोरी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वेरियस अदर टीचिंग पोस्ट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ फैकल्टी कॉलेज इंस्टीट्यूशन टू बी फील्ड ऑफ एकेडमिक ईयर 2020 प्योरली ऑन ए टेम्प्रोरी बेसिस। ये टेम्प्रोरी बेसिस से मांगा है। दोस्तों, आप इस वेबसाइट पे जाके आप इसका फॉर्म जो है फिल कर सकते हो और ये देख सकते हो। दोस्तों, मंडे से 11:05 से पहले आपको फिल कर देना लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखो, कंप्लीट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए अलग अलग, सब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इस तरीके से आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। दोस्तों, पूरा डिटेल जानने के लिए आप जो है इस पूरे नोटिफिकेशन को आप देख सकते हो, इसकी वेबसाइट पर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। रिस्पेक्टिव क्या क्या आपको नॉलेज चाहिए, क्या क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए, आप जैसे ही उसकी वेबसाइट पे विजिट करोगे आपको पूरा का पूरा उसके अंदर डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों, तो इस तरीके से आप पूरी एलिजिबिलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और पूरी की पूरी कितनी सर्टिफिकेट क्या है वो सब आप इस प्रकार के पूरी वेबसाइट पे से जाके विजिट कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हो। दोस्तों, प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे MS यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन मंगाई है। अलग अलग डिसिप्लिन में ड्रामा हो या फिर फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स के अंदर है, उसके बाद फिर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के अंदर है, उसके बाद फिर दोस्तों संस्कृत महाविद्यालय के अंदर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का मांगा गया है, उसके बाद दोस्तों ओरिएंटल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफिसर और रिसर्च एडिटर का भी वैकेंसी पड़ा है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी मैनेजमेंट के अंदर भी है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इसके अंदर दोस्तों BE BTEC या MEMTEC या होना चाहिए और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। मास्टर डिग्री MCA वालों के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए। आर्किटेक्चर के लिए भी है दोस्तों, टाउन प्लानिंग के लिए है, ह्यूमैनिटी साइंस के लिए है, पॉलीटेक्निक कॉलेज के अंदर दोस्तों इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो फर्स्ट BE BTEC और फर्स्ट क्लास इन इक्विवेलेंट मांगा गया है। मैं मास्टर डिग्री है तो भी वो बेटर रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देख पा रहे हो। तो दोस्तों, और भी इस तरीके से अपडेट जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और कोई भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आएगी तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू वेरी मच।